नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूँ आपके साथ विभाव उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहाँ शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बीपीएससी वेटिंग के बदले मेधा सूची अब जारी करेगा शिक्षा विभाग। से निर्देश मिलते ही मेधा सूची जारी कर दी जाएगी। एक अभ्यर्थी का दो जगह चयन होने से सीटें खाली हुई है। ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर दूसरी श्रेणी को मौका दिया जाएगा। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक में ये मौका मिल सकता है। सत्यापन के दौरान नहीं पहुंचे कई अभ्यर्थी और प्रमाण पत्र सही नहीं होने पर रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। होने के बाद फिर से इस पर निर्णय लिया जाएगा, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, इस मेधा सूची को जो कि वेटिंग के लिए जारी किया जाएगा, इसे किस रूप में देखा जाए? इनमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? विभा, देखिए, प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक का रिजल्ट जारी हो चुका है और 1,22,000 अभ्यर्थी जो है सफलता हासिल की है। अब जिलों में अलग अलग तरह से जो है काउंटर बनाकर वहां पर काउंसलिंग किया जा रहा है। लेकिन बता दें, इस बीच बड़ी खबर आ रही है जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के माध्यम से खबर मिली है कि अब वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा बल्कि मेधा सूची जारी किया जा सकता है, जिसको लेकर बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से बतौर मार्गदर्शन भी मांगा है। यानी जो सूचना मिली है कि कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनका दो जगह सिलेक्शन हो गया है, मीन्स प्राइमरी के साथ साथ हायर सेकेंडरी में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। ऐसे में उन्हें सिर्फ एक सीट पर अधिकार है, तो जो बचे हुए सीट है उस पर जो है एक तरह से फिर से जो है रिक्तियां बनती है और उस रिक्तियों के आधार पर शिक्षा विभाग जो है एक तरह से बीपीएससी को मार्गदर्शन दे सकता है, जिसके बाद बीपीएससी मेधा सूची जारी कर सकता है। यानी जो असफल अभ्यर्थी है जो तय कटअप के अंदर अगर नंबर लाते हैं उसके आधार पर जो है मेधा सूची में उन्हें फिर से जगह मिल सकती है और दोबारा बीपीएससी रिजल्ट जारी कर सकता है। ये तमाम प्रक्रिया में एक तरह से कहा जाए कि 8 दिन अभी वक्त है। 1 नवंबर से एक तरह से आदेश निकलने की उम्मीद है। 1 तारीख के बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग जो है बैठक करके फैसला लेगा और उसके बाद जो असफल अभ्यर्थी है उन्हें मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर ये कहें कि जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है अगर उनकी जगह अगर फुल नहीं होती है तो निश्चित रूप से दूसरे श्रेणी को मौका दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है जिनका सर्टिफिकेट फेक है या जो सत्यापन में नहीं पहुंच रहे हैं, तो कुल मिलाकर उनका रिजल्ट रद्द किया जाएगा। तो पहले से ये तैयारी थी कि जो रिक्तियां हैं उसको हम अगली बहाली में ऐड करेंगे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ये फैसला लेगा कि हम फिर से एक मेधा सूची जारी कर सकते हैं जिससे असफल अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बिल्कुल, और ऐसे में उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर जिसमें मेधा सूची के जरिए उनके नाम को शामिल किया जा सकता है, यानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ये फैसला लेगा कि हम फिर से